So, hey, am I audible? I hope so. Alright. So, अपन क्या करेंगे? अपन क्या क्या कर चुके हैं? क्या किया अपन ने? देखो, अपन ने 500, अरे भाई, अपन ने 500 स्पीच पढ़े, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन ने दो पार्ट्स में पढ़े शायद, ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मैं सोचा कि अपन PYQ कर लेंगे, लेकिन उसे थोड़ा आगे शिफ्ट किया है अभी। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले करेंगे, अब कुछ 30 क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं, वो टफ लेवल के हैं, ठीक है? ये आपको टफ लगेंगे, पर आप ये जब समझ लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपको ये PYQ मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है? आई होप मेरी बात समझ रहे होगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपन ने पहली क्लास करी, इसमें थ्योरेटिकल थी, दूसरी भी वैसी थी। थर्ड में अपन आज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टफ क्वेश्चंस, इसके बाद अपन करेंगे PYQs, उसके बाद अपन और कुछ 50 के करीब क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। तो 5 वीडियोस में, देखो मेन वीडियो तो 2 हैं, बाकी 3 प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है? आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें, अपन इस तरह से कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑल राइट, चलो। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इनमें ऑलमोस्ट आपका जो भी पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा, और ये 3-4 लेवल अप है, जो एग्जाम्स में आता है आपके उससे अप ही है, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, क्या दिया है अपन, ओके चलो। आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, इसमें अबव का पूछा है, अबव क्या कह रहा है? तो अपनी, तो क्या, जैसे मैं आपको पहले तो 10 सेकंड लो, आप सोचो क्या होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज जाके, अगर नहीं आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वो दोनों वीडियोस देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है? मेरा कोई फायदा नहीं, मैं है इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज मेरी भी स्टडीज है, मेरी भी काफी चीजें, पर मेरा कंटिन्यू करने का मोटिव ये है कि आपको हर चीज के लिए इतनी ज्यादा फीस पे नहीं करनी पड़े, कि मतलब मुझे पता है अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको वैल्यू नहीं रहेगी, बट फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं, मैं बस उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने भी कहीं से सीखा है, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, तो अबव क्या होगा? गेस करिए, कर लिया होगा शायद, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, चलो मैं आसान बनाता हूँ। और राइट, आप यहाँ देखो, राहुल लिव्स, राहुल लिव्स देयर या हेयर, कुछ भी कर दो, मैं हेयर कर दे रहा हूँ, राहुल लिव्स हेयर, ठीक है? अब इसमें आप कहोगे, अगर इसमें मैं पूछूं कि हेयर क्या है, तो आप कहोगे सर ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? बिकॉज जो इसके रिस्पेक्ट में वेयर का आंसर रहेगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो वेयर का आंसर दे रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी लिखूं, राहुल लिव्स इन पुणे। अब मैं पूछूं इसमें पुणे क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी तो पुणे में रहता है, तो एडवर्ब हुआ, वेयर का आंसर दे रहा है। तो वेयर का आंसर तो दे रहा है पर ये एडवर्ब नहीं है। देखो, अगर मैंने यहाँ पूछा होता पूरा का पूरा, इन पुणे क्या है, इन पुणे क्या है, ये पूछा होता, तो ये पूरा हो जाता एडवर्ब फ्रेज। कि आप खुद सोचे, चलो यहाँ तो क्या था, यहाँ सिंस है, राहुल यहाँ रहता है, राहुल यहाँ रहता है, ठीक है? पर यहाँ क्या हुआ, अगर मैं इन हटा दूँ, राहुल लिव्स पुणे, कोई सेंस है इस बात का? नहीं है ना? हाँ चलो, राहुल लिव्स इन पुणे, पुणे में रहता है, तो ये दोनों आंसर दे रहे हैं वेयर का। तो अगर दोनों में अंडरलाइन होता तो ये होता एडवर्ब फ्रेज, बट इसमें सिर्फ पुणे में है। अगर इन्हें अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो इन क्या होगा, इन होगा प्रेपोजिशन। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद
प्रपोजिशन के बाद आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आता है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, पुणे क्या है, नाउन है। ठीक है, आया समझ? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ? ठीक है, दोबारा करता हूँ, एकदम प्यार से समझना। देखो क्या दिया है, राहुल लिव्स हियर, तो जो वेयर का आंसर देता है वो आपका होता है एडवर्ब, राहुल यहाँ रहता है। अब मैं राहुल को पुणे भेज दिया, अब मैंने बोल रहा हूँ राहुल लिव्स इन पुणे, राहुल पुणे में रहता है, इन पुणे। अब इन पुणे दोनों में अंडरलाइन होगा तब ये एडवर्ब फ्री, एडवर्ब नहीं होगा क्योंकि एक होता तो चलो है, पर जहाँ एक से ज़्यादा वर्ड मिल जाते हैं तो वो एक फ्रेज बन जाता है। तो हाँ, जहाँ भी आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले तो यही देखे कि एक से ज़्यादा जगह ऐसे, मतलब एक वर्ड से ज़्यादा जगह अंडरलाइन है तो वो फ्रेज में आता है, एडवर्ब फ्रेज। पर अपन ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इन अलग बताओ, पुणे अलग बताओ, तो इन इन प्रपोजिशन हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। प्रपोजिशन क्या होता है ये भी सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैच करे, कनेक्ट करे। ठीक है, तो इन कनेक्ट कर रहा है तो इन हो गया प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा आता है आपका क्या आता है, नाउन। ऑल राइट, तो इस हिसाब से यहाँ नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है, बट यहाँ पे भी नाउन आएगा क्योंकि पुणे आपका नाउन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं, आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, तो अबव पे अंडरलाइन है। हिंदी में पढ़, हिंदी में कर लिया करो, हमारी हमारे आशीर्वाद हमारी ब्लेसिंग्स ऊपर से आती हैं। अगर मैं फ्रॉम हटा दूँ तो कोई सेंस है? आर ब्लेसिंग्स कम अबव, हमारी ब्लेसिंग ऊपर आती हैं? नहीं, वेयर का आंसर तो ये पूरा दे रहा है ना, ऊपर से आती हैं, ये पूरा दे रहा है ना फ्रॉम अबव। तो अगर ये दोनों जगह अंडरलाइन होती, फ्रॉम के बाद अबव होता, दोनों जगह अंडरलाइन होती, तो ये हो जाता एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आती हैं, कम अबव तो होगा नहीं, कम फ्रॉम अबव होगा। ठीक है, इतना डिटेल में बता दिया, अब समझ में आ गया होगा। पर ये अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है, कोई बात नहीं। फ्रॉम हो गया आपका प्रेपोजिशन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। तो क्या होगा आंसर, नाउन सी। ठीक है, आ गया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर एजेस शेल सिंग हिज ग्लोरी, आफ्टर, इसमें आफ्टर बताना है, आफ्टर एजेस शेल सिंग हिज ग्लोरी, इसमें आफ्टर क्या, आप 10 सेकंड लो, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, 10 सेकंड लीजिए, बताए ये वीडियो को पॉज, सॉरी वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए, और रिज्यूम करके वापस देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। सही होता है तो आगे बढ़ जाइए, स्किप कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगर नहीं आता तो समझिए, मैं यहाँ समझाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या है, आफ्टर एजेस सेल सिंग इज ग्लोरी, मैंने पहचानना बताया था चीज़ें आपको, यहाँ पे शेल क्या होगा, यहाँ पे शेल क्या होगा, आपका वर्ब होगा, विल, शेल, इज, एम, आर, क्या बी वर्ब होता है, क्या मेन वर्ब होता है, ये अपन जब वर्ब का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तब डिटेल में समझेंगे। अपन अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, जो 10 से 15 क्वेश्चन CDS में आते हैं जिसके। ठीक है, अब मान लो मोटा मोटा कि 10 मार्क्स मिलने हैं आपको इससे, मोटा मोटा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो शेल क्या होता है, वर्ब, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन। अब इतना डिटेल में तो बता ही चुका हूँ, प्रोनाउन तो होगा नहीं, नाउन है, और आफ्टर एजेस किसे, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है अगर आफ्टर, तो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, जो एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, वो भी एडवर्ब होगा, इवन वर्ब, वर्ब तो लिखा ही ऊपर। ठीक है, ऑल राइट, चलो तो आफ्टर क्या है, एडजेक्टिव है,
ठीक है, खत्म, चलो। ही वॉज ऑल अलोन वेन आई सॉ हिम, इसमें ऑल बताना है। वो पूरी तरह अकेला था जब मैंने उसे देखा, वेन आई सॉ हिम। ही वॉज ऑल अलोन वेन आई सॉ हिम। अच्छा मैं अभी यहाँ लिख दूँ, अगर ही वॉज अलोन, ऑल हटा दूँ, ऑल हटा दिया मैंने, ही वॉज अलोन, तो अब ये बताओ अब क्या है अलोन क्या है? आप कहोगे सर अलोन तो ये ही के बारे में कुछ बता रहा है, ये अलोन है तो नाउन ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन के बारे में कोई कुछ बताता है, नाउन के बारे में कोई कुछ बताता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो सर ये एडजेक्टिव होता, ये वर्ब होता। अब उसने यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दी, ऑल, ही वॉज ऑल अलोन, तो अब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है मैंने आपको बताया, अच्छा मिटा दिया मैंने, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। चलो, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेक्यूलेशन। देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप कभी भी वर्ड से मत पहचानिए कि ये एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है क्या, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में सेम वर्ड, जैसे ऑल यहाँ पे क्या था, एडवर्ब था, अभी आप नीचे देखेंगे ऑल कुछ और निकल जाएगा। तो हमेशा सिचुएशन देखिए, उस अकॉर्डिंग पहचाना जाता है, कभी रटिए नहीं कि ये वर्ड हमेशा ही यही माना जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेक्यूलेशन, इसमें ऑल क्या है, गेस करिए। चलो हिज हटा दो, अब बताओ ऑल क्या है। ही लॉस्ट ऑल, उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसने क्या खोया, सब कुछ खोया, खोया कि नहीं खोया, तो ऑल क्या हुआ, नाउन, नाउन हुआ, राइट। कोई डाउट हो कमेंट करना, तुरंत सॉल्व होंगे, ठीक है। और डिटेल में चीजें सुननी है तो भाई ये प्रोनाउन है, ये आपका ये तो वर्ब होता है, क्या क्या खोया, ऑल सब कुछ खो दिया। अगर हिज के बारे में पूछ लेता अभी, हिज क्या है, तो ये नाउन है, हिज ऑल, नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, खत्म। सब बता सकते हो आप। इज दैट एनी बेटर, इज दैट एनी बेटर, क्या है इसमें बेटर, आप एनी की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, तो ये बताओ कि इसमें बेटर क्या है, क्योंकि जो इसमें बेटर है वही इसमें होगा, बस एनी ऐड कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधा देखो इज दैट बेटर में क्या है, ये बेटर किसके बारे में बता रहा है, ये पूछ रहा है, इस क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, दैट क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ, बेटर क्या हुआ आपका, इसके बारे में कुछ बता रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है वो एडजेक्टिव होता है, होता है। तो इज दैट एनी बेटर, इस बेटर इसके बारे में बता रहा है और एनी कुछ मतलब क्या है, मतलब एनी किसे, एनी अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, आपका बेटर एडजेक्टिव हो गया और यहाँ एनी और लग गया, एनी पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछ ले तो एनी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक आ गया समझ, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, ये क्या हो गया डबल। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था तो मैं आपको और ढंग से बताता। देखो सबसे पहले तो ये देखो, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, दो सेंटेंस हो गए, इन्हें ऐड कर रहा है, क्या हुआ, ये आपका कंजक्शन भी हो सकता है, पर आपके ऑप्शन में कहीं एग्जाम में से बहुत होता है, आपको लगेगा ये है बट वो इसमें दिया ही नहीं है, क्या बोलते हैं ऑप्शंस में, कंजक्शन भी हो सकता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों होगा, ये अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में, एक साथ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो कन्फ्यूज़न ना हो जाए, आपका भला है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है।
शी लाइक्स द सेम, देखो कंजक्शन तो आपको पता है क्यों होगा, कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे तो रिलेटिव प्रोनाउन कोई ऑप्शन है, कंजक्शन तो ही नहीं, तो कोई बात नहीं। द बॉक्सेस विद विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर्ड द सिंपल, बेटर्ड क्या है यहाँ पे, चलो टाइम लो आप 10 सेकेंड अपना सोचो। सोचो सोचो सोचो। अच्छा बेटर्ड क्या है, ये कहीं कहीं बेटर की कोई फॉर्म लग रही है क्या? और अच्छा ये बताओ, फॉर्म जो बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो नाउन की बनती है क्या, ये एडजेक्टिव की बनती है, ये एडवर्ब की बनती है? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बनती है, अपने वर्ब का ही सुना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब, ये तो सिंपल है भाई, ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो, पहचान भी सकते हो जो मैंने आपको तरीका सिखाया उस तरीके से, वरना बेटर्ड तो यूं ही कर लोगे, क्यों, क्योंकि फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म है तो मतलब वर्ब है। अच्छा मेरे तरीके से करना, करके देख लो मैं कैसे कराता हूँ। द बॉक्सेस विद विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर्ड द सैंपल, विच ही प्रोवाइडेड मी द बॉक्सेस विद विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर्ड द सैंपल, ये क्या क्या कहना क्या चाह रहा है, जो बॉक्स उसने मुझे प्रोवाइड किए उनसे वो सैंपल बेटर हो गया, और ज़्यादा बेटर हो गया, बेटर्ड द सैंपल। बेटर्ड कहाँ गया, ये बेटर्ड किसकी वजह से हुआ, बॉक्स की वजह से, बेटर्ड कर रहा है ना। चलो और आपको बताऊं, अच्छा ये बताओ, बॉक्स विच ही प्रोवाइडेड मी, ठीक है बेटर्ड द सैंपल, तो बेसिकली इसमें कुछ इतना नहीं है, बॉक्स विच किसके लिए लग रहा है, बॉक्सेस के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसने मेरे को बॉक्सेस प्रोवाइड किए उनसे ये सैंपल बेटर हो गया, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, होगा तो मैं इसको और एक छोटा सा वीडियो बना के, कुछ भी करके, शॉर्ट बना के इसे क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। चलो, आई नेवर मेट अ सोल्जर बट सर्व द नेशन, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको इसको हिंदी में, मतलब मेन आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके आपको आना चाहिए पढ़ना, क्या कह रहा है, आई नेवर मेट अ सोल्जर बट सर्व द नेशन, इसका मतलब क्या हुआ, बट का, बट आपका सब कुछ हो जाता है यार, बट आपका प्रेपोजिशन भी हो जाता है, कंजक्शन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता, सब हो जाता है आपका, सब कुछ, ठीक है। इधर क्या होगा, बट का मीनिंग करो हिंदी में ट्रांसलेट, आई नेवर मेट अ सोल्जर बट सर्व द नेशन, तो कहीं ना कहीं आपको वो वाइब नहीं लग रही है, बट की जगह हु भी आ सकता था, मैं कभी ऐसे सोल्जर से नहीं मिला जिसने नेशन को सर्व किया हो। इसका मीनिंग है, मैं कभी ऐसे सोल्जर से नहीं मिला जिसने कभी नेशन को सर्व किया हो। अच्छा बट की मैं और चीजें बता दूं, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ बट पहचानने की, ठीक है। जहां भी बट का मीनिंग आपको लगे लेकिन हो रहा है, बट का मीनिंग जहां भी लगे लेकिन हो रहा है, जहां भी बट का मीनिंग आपको लगे जिसने या जो की हो रहा है, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ तो व्हाट वाज आई सेइंग कि, अच्छा हाँ बट के मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे पहले तो हिंदी में कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है, फिर यहाँ बट का मीनिंग देखो, बट का मीनिंग जहाँ पर होता है लेकिन, और कहीं कहीं होता है इसका जिसने जो की, और कहीं कहीं आपका बट होता है मतलब सिवाय, ये सब अपन क्वेश्चंस पे सब कवर कर लेंगे, सब कवर हो जाएगा, चिंता मत करो।
ठीक है, तो यहाँ पे भी बट का मतलब लेकिन, और जो कि हुआ जिसने हुआ, तो यहाँ पे आपका आएगा कंजक्शन, ठीक है। और जहां भी मतलब सिवाय हुआ वहां आएगा आपका प्रपोजिशन। आया समझ? मैं आज तक ऐसे सोल्जर से नहीं मिला जिसने नेशन को सर्व किया हो, जिसने कंजक्शन, ठीक है, लेकिन भी मतलब बनाता तो भी कंजक्शन होता। अगर जो सेंटेंस में सिवाय मतलब निकल रहा है तो वो प्रपोजिशन होगा। दूसरा तरीका देख लो, सो द नेशन आई नेवर मेट अ सोल्जर, दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, कंजक्शन दिया ही नहीं है। जस्ट अ सेकंड। सॉरी अगेन। हाँ तो मैं कहाँ पे था? अच्छा हाँ, तो यहाँ पे क्या जिसमें जो कि मतलब निकल रहा है, यहाँ जिसमें जो कि और लेकिन मतलब वो कंजक्शन होगा सिवाय मतलब प्रपोजिशन होगा। अच्छा यहाँ कंजक्शन दिया नहीं है ऐसा था, तो सर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो मैंने बताया इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ आंसर आपका ई लिख लो, कंजक्शन होगा। ठीक है आगे चलते हैं। दे वॉन्डर्ड अबाउट इन शीप स्किन्स एंड गॉट स्किन्स, दे वॉन्डर्ड अबाउट इन शीप स्किन्स एंड गॉट स्किन्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो ये आपका वर्ब है सिंपल सिंपल, ये इसमें कोई वो नहीं है आपका कि क्या बोलते हैं ऐसे, डाउट, डाउट तो इसमें कोई नहीं है, ये तो सिंपल है, देख चुके हो आप क्लासेस। अच्छा दे वॉन्डर्ड अबाउट, अबाउट क्या, किस किसके बारे में बोल रहा है भाई अबाउट? दे वॉन्डर्ड अबाउट इसी के बारे में बोल रहा है, तो जो वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। चलो नन बट द, सॉरी नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, देखो बट आ गया दोबारा, मैंने क्या मतलब बताए थे तीन, यहाँ क्या निकल रहा है, नन बट द ब्रेव, कोई नहीं सिवाय एक ब्रेव के डिजर्व करता है फेयर, सिवाय का मतलब यहाँ क्या था, प्रेपोजिशन, खत्म। नन बट द ब्रेव, कोई नहीं सिवाय एक वो ब्रेव के डिजर्व करता है फेयर, ठीक है आगे चलते हैं। राम एंड मोहन लाइक यू वर्क डे एंड नाइट, राम और मोहन तुम्हारी तरह काम करते हैं रात और दिन, तो यहाँ लाइक क्या है, टाइम लो सोचो सोचो सोचो, टाइम है, सोच लिया, पॉज करके सोच लिया करो। देखो ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। अच्छा राम एंड मोहन, अच्छा इन दोनों कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। चलो मेक हेस्ट
एल्स यू विल मिस द ट्रेन। एल्स क्या है? एल्स तो समझ गए होगे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये दो सेंटेंस है, इन्हें कनेक्ट कर रहा है एल्स। खत्म। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। अच्छा, मैं अगर यहाँ लिखूँ आई हैड इनफ और यहाँ लिखूँ आई हैड इनफ फूड, आई हैड इनफ फूड, अब बताओ इन दोनों जगह इनफ का मीनिंग क्या होगा? यहाँ इनफ का मीनिंग क्या होगा? आई हैड इनफ में अब बोलोगे सर नाउन होगा। कैसे होगा? अच्छे से पता चल गया होगा अब तक तो। नहीं पता चला, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि जाके वीडियोस देखो, ठीक है, वरना एग्जाम में क्या ही करोगे। और अगर आप नीचे आते हैं अपन, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो नाउन फूड है और फूड के बारे में कुछ बता रहा है इनफ फूड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, यहाँ पे अगर फूड होता तो ये नाउन होता, बट यहाँ फूड है नहीं, है नहीं है ना, तो क्या आएगा? ये बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में तो बता रहा है इनफ। खत्म। अगर यहाँ फूड होता तो फूड नाउन होता, ये उसके एडजेक्टिव हो जाता, ठीक है। चलो, हाँ, इफ वी एक्सेप्ट हरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। ये समझ में नहीं आया, कमेंट करना, मैं दोबारा समझा दूंगा। आई नो डिफिकल्ट है यार, बट मेरे को लग रहा है आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा। बिकॉज आई हैड इनफ, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। सोचो ये नाउन क्यों है, क्या बता रहा है? आई हैड इनफ, ठीक है, किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का दे रहा है, क्या काय का दे रहा है ये आंसर? ठीक है, इफ वी एक्सेप्ट हरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। अगर हम हरी को मतलब हरी के जगह, हरी के बजाय हम हरी को हटाएं, तो सब सब पे इल्जाम लगा सकते हैं। इफ वी एक्सेप्ट हरी, एक्सेप्ट क्या है यहाँ? कोई क्रिया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इफ वी एक्सेप्ट हरी, पहले तो ये सेंटेंस ही अलग है, ये सेंटेंस अलग है, ठीक है, इसी के आप उसमें देखोगे इफ वी एक्सेप्ट हरी, तो यहाँ क्या हुआ, वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? इफ वी एक्सेप्ट हरी, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन डेट ऑफ चाइना। मुझे पता है इसमें दो आपके डाउट होंगे, कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा, राइट? राम इज, अच्छा ये छोड़ो, मेरे को बताओ तुषार इज टॉल, और तुषार इज टॉलर देन दैट ऑफ राम। यहाँ टॉल क्या है, यहाँ टॉलर क्या है? देखो सीधी सी बात है, टॉल यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको, अच्छा हाँ बात, हाँ तो टॉल यहाँ क्या है? तुषार टॉल है, इसके बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। पर नीचे क्या कर रहा है? नीचे कर रहा है कंपेयर, तुषार इज टॉलर देन दैट ऑफ राम। यहाँ पे टॉलर का क्या मीनिंग है? अपन बेसिकली कंपेयर ही तो कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव नहीं होगा ये। यहाँ अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे? राम से, समझ रहे हो? चलो यहाँ आ जाओ, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन डेट ऑफ चाइना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन दैट ऑफ चाइना। आप देख चुके, एडजेक्टिव तो होने का ही नहीं है, ठीक है, यहाँ होगा एडवर्ब, बिकॉज यहाँ हो रहा है कंपैरिजन, समझ रहे हो?
आया कुछ दिमाग में? आई होप आया होगा। आगे चले। चलो, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस। प्लीज हेल्प मी फॉर वंस। वंस क्या है इसमें? बस खत्म होने में 30 क्वेश्चन ही है। बस मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो एक बार। प्लीज हेल्प मी फॉर वंस। सिंपल, फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्यों है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। हेल्प मी फॉर वंस प्लीज, मतलब कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। खत्म। अब आपको ऐसे करने हैं, मैं आपको हर चीज बहुत, इस मैंने आप नोटिस किया होगा, मैं 10 क्वेश्चन तक आपको आराम से कराया, उसके बाद मैं स्पेस पेस में करा रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। बच्चों की तरह हर कोई फीड नहीं करेगा आपको एग्जाम में जाके, इसलिए ठीक है। दिस इज अ, अच्छा इसमें क्वेश्चन ही नहीं पता। दैट इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इट सेल्फ। पूछा क्या इसमें? दैट इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इट सेल्फ। राइट पूछा है। अच्छा राइट, राइट को लगा लो। राइट क्या है? ये एक ऐसा फॉल्ट है जो खुद ठीक हो जाएगा। राइट क्या है? राइट इसमें देखो, पहले बताओ इतने में कोई वर्ब है? इतने में कोई वर्ब है? वर्ब दिख रहा है इतने में कोई? दैट इज अ फॉल्ट दैट विल में नहीं दिख रहा है ना, तो खुद से ठीक हो जाएगा। तो राइट यहाँ पे वर्ब की तरह इसका मीनिंग यूज हो रहा है। दैट इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इट सेल्फ। ठीक है, आया ना वर्ब? अब इसमें तो मैं आपको उसके बता नहीं दूंगा कि इसका मीनिंग क्यों है, ऐसा क्यों वर्ब है। वर्ब तो वर्ब है ना भाई, इतना बता दिया। देखो भाई, इतने में कोई वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मीनिंग कहाँ है इसका? ये एक ऐसा फॉल्ट है जो खुद से ठीक हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना घुसना पड़ेगा, आप घुसना नहीं है। चलो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करोगे उतना खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इन दोनों का ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इन दोनों का कनेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा? राउंड बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो क्या हुआ? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कनेक्शन। प्रीपोजिशन। खत्म। हर सॉब्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट। हर सॉब्स कैन बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। क्या है यहाँ? द आर्टिकल के बाद क्या आता है? अब ये तो बोलोगे नहीं सर नाइट के लिए लगा, क्यों? नाइट से पहले आ गया आपका वो प्रेपोजिशन। तो द के बाद हमेशा क्या आएगा? स्टिल। इस नाउन आएगा हमेशा। द के बाद क्या आएगा? नाउन। खत्म। डोंट बी इन सच अ हरी। डोंट बी इन सच अ हरी। सच क्या है इसमें? क्या है ये? प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन। ऊपर लिखता हूँ मैं। सर ये भी आर्टिकल है, इसके बाद भी नाउन आएगा, तो सर नाउन आ सकते हैं कई बार। ठीक है, आपको यही समझना है, यही चीजें हैं, कोई ऐसी बेसिक वैसी ट्रिक नहीं होती है। ठीक है। द फॉर्म वॉज कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस। देखो जो भी ज्यादातर क्वेश्चन अब बचे होंगे वो ऐसे हैं कि सेम वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं और अलग अलग वो निकलता है। जैसे प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी बोला जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस बोला जाता है। ठीक है। तो द फार्म वॉज कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस। तो यहाँ प्रोड्यूस का मीनिंग है वर्ब, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। ठीक है। चलो, द बक डज द फनी थिंग्स व्हेन द डज विल बी प्रेजेंट। द बक
द बग डज द फनी थिंग्स वेन द डज विल बी प्रेजेंट। दिमाग मारी मत करो, डज का मतलब दूसरा मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। क्या है यहाँ आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, खत्म। चलो, द बैंडेज वॉज वूंड अराउंड द वूंड। बैंडेज इतना तो समझ में आएगा, बैंडेज को बांधा गया, बैंडेज को बांधा गया वूंड, चोट जो थी, दोनों का मतलब एक ही होता है, अराउंड द वूंड। तो बांधा गया क्या है, वर्ब। यू मस्ट पॉलिश द पॉलिश मार्बल टू मेक इट ग्लॉसी। ये क्या हुआ यहाँ, वर्ब, पॉलिश करना चाहिए, पॉलिश मार्बल, मार्बल आपका क्या है, नाउन, नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव। द मार्बल, द मार्बल के लिए उसे हुआ है ना, मार्बल के बारे में पॉलिश बता रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, अब यहाँ जाओ, द सोल, ये आप बोलोगे सर कहाँ से उठाए क्वेश्चन, आप गूगल कर लोगे, आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से बनते हैं, ठीक है, तो आई होप आप कदर कर रहे होगे। द सोल्जर्स डिसाइडेड टू डेजर्ट देयर टेस्टी टेस्टी डेजर्ट इन द डेजर्ट। द सोल्जर्स डिसाइडेड टू डेजर्ट देयर टेस्टी डेजर्ट इन द डेजर्ट। यहाँ आपको डेजर्ट का मतलब पता है क्या होता है, नाउन, डेजर्ट तो पता होगा ना कि खाने के बाद जो खाते हैं करते हैं, मतलब ये वाला डेजर्ट क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट मतलब टेस्ट करना या फिर जो भी करना, खाना पीना, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब हुआ, ये आपका क्या नाउन हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका भी, ये भी नाउन हुआ। अब आगे तो कर लोगे, करना हुआ आपको आगे तो टेलीग्राम पे मैं यहाँ तक करवा दे रहा हूँ, आगे आपका टेलीग्राम पे है, स्टडी डालना, @ स्टडी विद प्रभव, यहाँ लिख रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, स्टडी विद प्रभव, सर्च करना मिल जाएगा, स्टडी विद प्रभव, और सब स्मॉल लेटर में ही है, ठीक है। और उस पेज पे जाके आप सर्च कर लेना, पार्ट तो स्पीच की प्रैक्टिस सेट वन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंस देर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट ही थॉट इट वॉज टाइम टू, क्योंकि ये बहुत ईजी है और कर लोगे खुद दिमाग से अपने, ठीक है, दिमाग लगाना भी ज़रूरी होता है। सिंस देर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, अभी जैसा कोई टाइम नहीं था, मीनिंग निकालो बस, ही थॉट इट वॉज टाइम टू प्रेजेंट, प्रेजेंट यहाँ वर्ब है, ठीक है, द प्रेजेंट यहाँ प्रेजेंट गिफ्ट है, यहाँ प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। चलो, इतने दो चार क्वेश्चन बचे हैं, कर लेना, बाय, चलो, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय, टाटा।